सो गाइस, कुछ लोगों का सवाल था कि अगर हमारा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो गया है तो क्या हम उसे प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम प्रमोट करते हैं तो क्या कोई रिस्क है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो उसे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर प्रमोट करना चाहिए तो कहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से प्रमोट करना चाहिए ताकि आपके चैनल पे कोई इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो अब आप ये सोचेंगे कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, क्योंकि मोनेटाइजेशन का जो मेन पर्पज होता है यही होता है कि हम अपनी नॉलेज को शेयर करें और चैनल मोनेटाइज हो जाए तो वहाँ से हमें अर्निंग मिले। बट चैनल नया होता है कभी कभी, या हम स्टार्ट किए रहते हैं तो वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है और चैनल ग्रो नहीं करता है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इसको प्रमोट कर लें और प्रमोट करके हम व्यूज़ लाएं और सब्सक्राइबर अपने चैनल पे गेन कर लें। बट उसी के साथ साथ हमारे दिमाग में ये सवाल भी आता है कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब इस पे ऐड दिखाएगा यूट्यूब, ठीक है, तो क्या हमें इसे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, इससे आपके चैनल पे कोई नुकसान नहीं है। बट एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपको अपने चैनल को कहाँ पे प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने चैनल को कहीं पे भी प्रमोट कर दें मोनेटाइज होने के बाद, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी पैनल के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या कहीं पे भी ऐसी जगह से प्रमोट करते हैं जहां पे बोट के थ्रू या रोबोट के थ्रू आपके चैनल पे व्यूज और सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको प्रमोट करना है, आपको अपने चैनल को गूगल एडवर्ड से प्रमोट करना है। गूगल एडवर्ड्स के अलावा कहीं पे भी नहीं प्रमोट करना है। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे क्रॉस प्रमोशन बोलते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को शेयर करके प्रमोट कर सकते हैं। बट किसी भी प्रकार के इस तरह से बोट और पैनल के थ्रू आपको अपनी वीडियो को नहीं प्रमोट करना है, आपको अपने चैनल को नहीं प्रमोट करना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी वीडियो को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा व्यूज आएगा तो ज़्यादा अर्निंग होगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो वो जो पैसा स्पेंड होता है वो अलग तरीके से स्पेंड होता है। हो सकता है कि आपको व्यूज जो है 10 पैसे में मिले, 20 पैसे में मिले, 30 पैसे में मिले या 50 पैसे में मिले, लेकिन जब YouTube जो आपको पैसा देता है वो डिपेंड करता है आपकी वीडियो पे इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, आपकी वीडियो पे क्लिक्स कितने आ रहे हैं, आपकी वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं। तो कहीं पे 1000 इंप्रेशंस पे भी आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, कहीं पे 2000 इंप्रेशंस पे भी मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि 1000 इंप्रेशंस पे आपको $1 मिलेगा या $0.50 मिलेगा, ये डिपेंड करता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप अपने जो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसको प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप प्रमोट करके आप अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आपकी अपनी वीडियोस पे व्यूज़ आ सकता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका चैनल हल्का सा बूस्ट होगा, जब पेड ऐड चलाएंगे उस पे, तो आपकी वीडियो पे कुछ ऑर्गेनिक व्यूज़ आएगा, आपका चैनल YouTube सजेशंस में भेजेगा। क्योंकि जब आपके चैनल पे वॉच टाइम बढ़ेगा, लोग पेड प्रमोशंस के थ्रू आपकी वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अदर भी वीडियो को YouTube प्रमोट करेगा। तो यही मेन चीज़ होता है प्रमोशंस का, तरीका सही होना चाहिए आपके प्रमोट करने का। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, समझ नहीं पा रहे थे कि चैनल मोनेटाइज हो गया है तो प्रमोट करें या नहीं करें। तो ये वीडियो बेसिकली इसी चीज़ के लिए है। अगर चैनल आपका मोनेटाइज भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोट कर सकते हैं, बट गूगल एडवर्ड से ही करें, यही सबसे सेफ और सिक्योर तरीका है चैनल को प्रमोट करने का, वीडियो को प्रमोट करने का। सो गाइज, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए आपका और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।